तो पैसा पैसा पैसा, कुछ यूट्यूबर बड़े यूट्यूबर जो मतलब रट लगाए हुए हैं कि मालती के पेमेंट, जो मालती के चैनल का जो पेमेंट आया है वो पैसा युवराज को दिया जाए, मालती को दिया जाए, मालती के पापा को दिया जाए। तो दोस्तों फाइनली आप सभी को बता दें कि जो है मालती के चैनल का आया हुआ पेमेंट, वो पेमेंट जो है युवराज के खाते में जमा होगा, कोई हड़पेगा नहीं। और हड़पेगा कौन? अमरनाथ को आप लोग इतना उल्टा सीधा बात कह रहे हो, वो लोग बेचारे इतने सीधे हैं और वो हड़पेंगे क्यों? वो मालती के एक इशारे पे हर काम करते थे, वो लोग बिष्णु राज के एक इशारे पे हर काम करते थे। तो अगर बिष्णु राज के घर वाले, बिष्णु राज यही कहें कि मतलब मालती के चैनल का पेमेंट जो है आया हुआ पैसा किसी को मत देना, तो गलत क्या कह दिए? और अमरनाथ क्या गलत कह रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता गलत कर रहे हैं। तो अमरनाथ भी मतलब बता रहे हैं, और बाकी सब लोग, जैसे थोड़ा रिलेशन से मैं जुड़ी हुई हूँ उन लोगों से तो बातचीत होती रहती है, तो वो लोग बता रहे थे कि इनका मालती का पैसा जो है वो सारा पैसा युवराज के अकाउंट में जमा होगा, युवराज के नाम से अकाउंट खुलवाया जाएगा और उसी के लिए जमा होगा। जैसे मालती, वैसे मालती का बेटा है तो उन लोगों का भी बेटा है। ये नहीं कि मालती चली गई तो उन लोगों के अंदर दया भाव नहीं है, सब कुछ है। और मालती के बेटे का पैसा मालती के बेटे के नाम से ही जमा होगा। तो कुछ लोग अभी तक भूख रहे हैं कि जो है मालती का पैसा मालती के पापा को दिया जाए। तो आप लोग भैया जी गलत बोल रहे हो। कुछ बहनी लोग हैं, बहन लोग जो कि वो लोग भी मतलब कह रहे हैं कि मालती का जो पैसा आया है वो मालती के पापा को दे दिया जाए, मालती को दे दिया जाए। तो आप लोगों से बता दिया जाए, बता रही हूँ कि मालती का जो पैसा आएगा, मालती के चैनल से जो आया है दिसंबर का 2023 का, वो पैसा जो है युवराज के लिए जमा होगा। जो कि अभी तो चलो युवराज को कोई तो पाले पोसेगा, लेकिन बड़ा होकर के युवराज के साथ क्या होगा, युवराज किस रास्ते पे जाएगा, यानी पढ़ाई लिखाई, जैसे कि युवराज बड़ा होगा तो उसका खर्चा भी बड़ा होगा, सब कुछ बड़ा होगा। अगर वो पढ़ेगा लिखेगा तब भी पैसा लगेगा भाई, तो उतना खर्च कौन देगा? अगर उसके पापा अपने पास रखते हैं बिष्णु राज, तब तो बिष्णु राज तो खर्च उठाएंगे ही, नहीं तो कौन उठा पाता है इतना खर्च? कोई भी हो, चाहे मामी मामा नानी नाना, कोई किसी का नहीं होता है पैसे के लिए, ठीक है? तो अगर पैसा है तो हर कोई है, तो इसीलिए जो है बहुत सोच समझ कर के ये कदम उठाया गया है, ये कदम उठाया जा रहा है कि मालती का जितना भी पैसा आया होगा, जो भी आया हो, 2-4, 10 लाख, 20 लाख, वो पैसा जो है युवराज के नाम से जमा होगा। तो अब कुछ लोग फड़फड़ाए ना, तसल्ली रखें, वो पैसा कोई हड़पेगा नहीं, अमरनाथ भी नहीं हड़पेंगे, क्योंकि अमरनाथ नहीं हड़पेंगे, वो सब रिलेटेड हैं, रिश्तेदार हैं एक दूसरे के, तो भाई हड़पेंगे क्यों? और इतना गलत सोच मत रखिए। कुछ लोग अमरनाथ को ही उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि धोखा दिया, ये किया वो किया, पैसा हड़प लिया। तो नहीं भैया जी लोग, नहीं दीदी लोग, अमरनाथ पैसा हड़पा नहीं है और लोग हड़पेंगे भी नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं वो लोग, तो क्यों हड़पेंगे? वो लोग खुद अपना पैसा कमा रहे हैं, इतने खुश हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं कि अमरनाथ जो है मालती के पैसे से घर बनवा रहे हैं। तो भैया बहनी लोगन, आँख में कुछ पड़ गया मेरे, बहनी लोगन, तो अमरनाथ खुद अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से। उसकी मम्मी भी देखिए वीडियो में आ जाती, एक शॉर्ट वीडियो उन लोगों का बहुत ज़्यादा जाता है, एक अगर वीडियो शॉर्ट डाल देते हैं बहुत अच्छा खासा जाता है, ब्लॉग बनाते हैं तब भी अच्छा खासा उनका वीडियो जाता है, व्यू जाता है, तो वो लोग अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। तो भाई किसी का पैसा क्यों हड़पेंगे वो लोग? वो लोग बहुत खुश हैं, तो उनकी ज़िंदगी में आप लोग दखल मत दीजिए। कुछ लोग जो खुश हैं उनको खुश रहने दीजिए, खुश रहने का पूरा भी हक है। देखिए मेरे यहाँ पे ट्रेन जा गई है तो गेट खुल रहा है, तो खुश रहने दीजिए, ठीक है? उन लोगों को भी खुश रहने दीजिए। अब उन लोगों की ज़िंदगी में जहर मत घोलिए उल्टा सीधा बोल करके, उन लोगों को माइंडली प्रेशर या माइंडली टेंशन मत दीजिए, क्योंकि वो लोग धोखा नहीं किए हैं, जो उन लोगों से कहा गया है अमरनाथ और प्रिया से और अमरनाथ की माँ से वही करेंगे। और वो लोग किसी का पैसा नहीं हड़पेंगे, किसी का पैसा नहीं रखेंगे। तो
वो पैसा सारा युवराज के खाते में जमा हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा बौखलाइए मत, ज़्यादा ज़्यादा मतलब किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते हैं,